नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। गुना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट मनोहर मरोठा ने यातायात थाना प्रभारी उमेश मिश्र पर मुंह देखकर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। बताते चले, यातायात टीआई ने साईं मंदिर के सामने चेकिंग प्वाइंट लगाया हुआ है, जहाँ पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिलों पर शक्ल देखकर भेदभावपूर्ण तरीके से चालानी कार्यवाही की जा रही है। गुना से योगेंद्र शर्मा के साथ आरके शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस वाले बिना हेलमेट जाएंगे चलेगा, बीजेपी वाला कोई होगा बिना हेलमेट चलेगा जाएगा, लेकिन गांव का कोई अगर गरीब फंस गया, कोई नौजवान फंस गया या कोई ऐसा आदमी फंस गया जो ये सब नहीं जानता, उसे रोक करके उसको 250 रुपए का चालान या 500 रुपए का चालान सिर्फ इसलिए कि हेलमेट नहीं लगाया। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ से बिना हेलमेट के, आप देखिए उधर कैमरा घुमाकर। आपने थाना प्रभारी से इस मामले में कोई बात की? मैंने करी थाना प्रभारी महोदय से, मैंने कहा सर मैंने कल ही गाड़ी उठाई है और मैं एडवोकेट हूँ यही गुना में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव, तो क्या करूँ बोले, और बोले तरीके से बात करो, क्या बदतमीजी है। अरे भाई अगर बात करना बदतमीजी है तो हम तो बात भी नहीं कर सकते ना, ये सब चल रहा है। मेरा सीधा विरोध इस बारे में कि जितने भी लोग, आप या तो कार्रवाई एक तरफ से करिए, बिल्कुल मैं तैयार हूँ एग्री, अगर आप अगर आपने एक को भी नहीं निकलने दिया होता, मैं हंसी हंसी बिल्कुल खुशी से कहता सर आप तो 250 का काटिए, बिल्कुल काटिए, मैं तैयार हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। लेकिन ऐसे दो तीन पुलिस वाले गए, एक इनके पहचान वाला गया,